हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज मेरे पास जो सेट है जो सैमसंग गैलेक्सी ग्रैंड प्राइम 4G, इसका मॉडल नंबर है G531F। इसमें माइक प्रॉब्लम था, जो कि ऑलरेडी मैंने माइक निकाल दिया है, तो सोचूं कि एक वीडियो बना दूं जिससे आप लोगों को फ़ायदा हो जाए। ऐसा है कि ये यहाँ पे जो 4 लेग की माइक लगी हुई थी उसके जगह पे हम लगाएंगे यूनिवर्सल माइक और बताएंगे। और मेरे पास एक और माइक है जो कि 5 लेग का है, इसको भी मैं आप लोगों को लगा कर बताऊँगा, ठीक है। और साथ में चेक भी करा दूँगा। तो दोस्तों, इसमें हमको अगर यूनिवर्सल माइक लगाने के लिए हमको एक रजिस्टर की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि हम किसी भी बोर्ड से निकाल लेंगे, ठीक है। और ये 5 लेग वाली माइक है, इसमें हमको कोई ज़रूरत नहीं है। तो चलिए पहले हमको बता दें कि हम जो रजिस्टर है वो कहाँ से निकालेंगे। मान कर चलिए हमारे पास पुराना बोर्ड है, ठीक है, तब इसी बोर्ड से कैपेसिटर निकालेंगे, जिसका वैल्यू होना चाहिए 5K से लेकर के 10K तक, ठीक है। उसके बीच में ही हम निकालेंगे। तो सबसे पहले हम चेक कर लेंगे अपने मल्टीमीटर से, इसको कंटिन्यूटी रेंज में रख लें मीटर को। जैसा कि देख पा रहे हैं दोस्तों, ऐसे करके आपको रजिस्टर चेक करना है, ठीक है। जैसा कि मानकर चलिए इसका वैल्यू 10, सॉरी दोस्तों, आप मीटर को 20K के रेंज में रख लीजिए, क्योंकि आपको तो चाहिए 10 के नीचे, तो ये आपके लिए बेटर रहेगा। अब चेक कीजिए, जैसा कि देख पा रहे दोस्तों 99.90 है, यानी कि 10 के नीचे है, तो लगभग ये भी चलेगा। और दूसरे और आपको इस नीचे देख लीजिएगा कि अगर 7K के आसपास मिल जाए तो और बेटर है। उसी प्रकार दोस्तों ध्यान रहे, ये रजिस्टर आपको पावर आईसी के आसपास ही मिलेगी, ठीक है। फिर जब मैं यहाँ पे चेक करता हूँ, देखिए कंप्लीट है, ये भी कंप्लीट है। इसी प्रकार हम रजिस्टर निकाल लेंगे। वही मैं बगल में देखूँ, इस सब का वैल्यू कम है तो ये काम नहीं करेगा। तो चलिए, मैं तो ऑलरेडी निकाल चुका हूँ, तो आप इस प्रकार निकाल लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको यूनिवर्सल माइक लगाने की विधि बताता हूँ। फिर मीटर को आप रख लेंगे कंटिन्यूटी मोड में, ठीक। तो हैं एक को आप ग्राउंड करा दें, फिर चेक करें। जैसा कि देख रहे हैं दोस्तों, ये ग्राउंड है, ये भी ग्राउंड है। तो मानकर चलिए इसमें कोई बहस नहीं, ग्राउंड तो हम कहीं से उठा लेंगे। रही बात यहाँ प्लस का, और ये भी प्लस ही होता है, लेकिन इसी के बीच में हम कैपेसिटर लगा देंगे, जो कैपेसिटर हमने बताया था। तो चलिए कैपेसिटर लगा लें। जैसा कि देख पा रहे दोस्तों, मेरे पास एक कैपेसिटर है, शायद मैं आपको नज़दीक से दिखला दूँ। एक कैपेसिटर है हमारा, तो मैं इसको वैल्यू भी आपको मैं बता देता हूँ, जिसको आपको समझ में आ जाए। दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखें, तभी आपको समझ में आएगा। इसको हम 20K के ही रेंज में रखेंगे,
मल्टीमीटर को, जैसा कि देख रहे हैं इसका वैल्यू 10 के ऊपर बता रहा है। चलिए चलेगा, ठीक है। तो चलिए, जैसे मैंने बताया था आपको कि इसको हमको दोनों प्लस को साथ में जोड़ देना है, ठीक है। बहुत सावधानी से जोड़ो दोस्तों, क्योंकि बहुत छोटा होता है ये। चलिए, तो मैंने रजिस्टर लगा दिया है, तो अब क्या करेंगे, माइक लेंगे, यूनिवर्सल माइक, फिर इसका जो निगेटिव सिरा है उसको हम यहाँ पे ग्राउंड करा देंगे, ठीक है। सॉरी दोस्तों, इसमें नहीं बल्कि कहीं पे हम ग्राउंड करा देंगे। फिर एक सिरे को, क्योंकि इसमें कंटिन्यूटी आ रहा था, इसमें नहीं आ रहा था, फिर इसमें हम रजिस्टर लगा दिए, तो इसके बाद वाला में हमको जोड़ना है, ठीक है। तो चलिए पहले इसको मैं चेक करा दूँ, उसके बाद मैं आगे बताऊँगा। तो मैं वीडियो को थोड़ा दोहरा देता हूँ, जिसके ठीक है। हेलो 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 हेलो, चलिए ये दोस्तों ये तो हो गया। चलिए मैं आपको दूसरा माइक लगाकर दिखला दूँ, ठीक है।
तो एक बार और समझ लो दोस्तों, जैसा कि मैंने इसमें रजिस्टर लगाया, कंटिन्यू तो हमको इसमें प्लस में मिल रहा था, ठीक है। रजिस्टर लगाने के बाद हम इस साइड में जोड़ेंगे प्लस को और एक ग्राउंड करा देंगे, ठीक है। इसका काम ख़त्म हुआ। अब हम इस माइक को हटा देते हैं और एक रजिस्टर को भी। अब हम आपको बताएंगे 5 लेग के माइक इस प्रकार लगाते हैं, ठीक है। तो इसमें आप जम्पर वायर ले लीजिएगा, चलिए दोस्तों मेरा जम्पर हो चुका है। तो मैं आपको फिर बता दूं कि माइक किस प्रकार चेक करेंगे, फिर मीटर को आप रख लें कंटिन्यूटी रेंज में, ठीक है। फिर माइक को यहाँ ऊपर उठाकर डाल लें। इसमें जो दोस्तों होता है बीच वाला जो होता है, ये ग्राउंड होता है, ठीक है। तो बीच वाला जो है सो ग्राउंड है, ठीक है। तो चलिए पहले बीच वाला को हम ग्राउंड करा दें। पहले एक नंबर को इसमें जोड़ ले फर्स्ट में, दो नंबर को जो इसके जो फर्स्ट में और लास्ट में जो होगा बीच छोड़ करके, उसको हम दोनों साइड में जोड़ देंगे। जब बीच वाला मेरा बच जाता है उसको हम करा देंगे ग्राउंड, बस यही कनेक्शन है दोस्तों। यानी एक बार और समझ लें, जो बीच वाला ग्राउंड होता है, ठीक है, जिसको हम ग्राउंड करा देंगे, चाहे यहाँ मार दें, जहाँ सुविधा हो वहाँ मार दें। जो फर्स्ट वाला है उसको हम प्लस पॉइंट में डालेंगे, और जो सेकंड इस साइड वाला है उसको हम यहाँ बगल वाला फैरल में डालेंगे। तो चलिए फिर एक बार इसको चेक कर लें फटाक फटाक, थोड़ा हम इसको भगा देते हैं। दोस्तों अभी तक आप मेरे चैनल पर अभी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल का भी घंटी दबा दें, जिससे आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। पहले का रिकॉर्डिंग इसको हम डिलीट कर देते हैं। ठीक है, चलिए फिर हम रिकॉर्ड कर लें। हेलो 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 हेलो, चलिए सुन ले एक बार। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार हम माइक लगा सकते हैं 4 लेग में, 5 लेग की माइक और यूनिवर्सल माइक। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, और फिर भी ना समझ में आए तो कमेंट करके पूछें। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।